नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नव भारत के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस नौ युवक से मिलाने जा रहा हूं जिसका वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके टैलेंट की तारीफ बॉलीवुड के सितारों ने ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गजों ने भी की है। उस खिलाड़ी से आपको मिला हूं, उससे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। आपका नव भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे नव भारत पे बुलाया और मैं यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो शाह साहब, पहले बताएं कि ये फुटबॉल ट्रिक शॉट है क्या? ये जो सवाल है ये मेरे अंदर, जब मैंने आपका वीडियो देखा तो आपने कैप्शन दे रखा था अपने वीडियो में कि फुटबॉल ट्रिक शॉट, उसे जानने की बड़ी लालसा हुई मुझमें। तो मेरे साथ दर्शकों को भी जानना होगा कि क्या है ये फुटबॉल ट्रिक शॉट, तो बताएं कि क्या है ये। ट्रिक शॉट्स बेसिकली अनबिलीवेबल शॉट्स है, मैं इनको फ्लूक शॉट्स भी कहता हूँ। ये अनबिलीवेबल शॉट्स है और इसमें हमें एक सिग्निफिकेंट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो किक हो, हेड से खेलना हो, शूट हो या जगल हो, कुछ भी। तो ट्रिक शॉट्स ना वो हैरानकुन होता है, लोगों को हैरान करता है, पर इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। ट्रिक शॉट्स पहले डोंट परफेक्ट से मैंने देखे और फिर उसके बाद मैंने भी स्टार्ट किया। कब ये दिमाग में आपके आया कि मतलब कितनी उम्र से आप इस ट्रिक शॉट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं जब 16 साल का था 2016 में, तब मैंने फुटबॉल खेलनी स्टार्ट की और 2018 में मैं 18 साल का था, तो तब से मैंने फिर स्टार्ट किया 2018 से ट्रिक शॉट्स खेलना, और आज तब से 4 साल हो गए और मैं अभी भी खेल रहा हूं। तो शाह, मैंने वीडियो में देखा था कि काफी यू नो का बड़े बॉल के साथ साथ छोटे छोटे गेंदों के साथ आप कभी फ्लोर पर बॉटल रखी हैं या कुछ चलो टेप की यू नो सर्कल रखे हैं, उसमें वो बॉल को एक बखूबी, जैसा कि दर्शकों ने भी देखा होगा कि बखूबी बड़ी स्लिमिंग के साथ वो इस पार से उस पार चली जाती थी। तो इसे इसे खेलने से मतलब यू नो इसे शुरुआत करने से पहले कोई आपका मेंटोर रहा है या कैसे, कुछ कारण होगा इस गेम को देखने या यू नो सीखने के लिए? मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ कि गॉड ने मेरे को मतलब कुछ यूनिक ही बनाया है, कि मैं कुछ भी एक मतलब यूनिक सा करता हूँ, क्रिएटिव सा करता हूँ और हो जाता है। मेरे पैरों में जादू है, मिरेकल और मैजिक बोथ हैपन्स इन माय ट्रिक शॉट्स समटाइम्स, और कभी कभी मेहनत भी करता हूँ, फिजिक्स ज्यादातर अप्लाई करता हूँ और सोचता हूँ कैसे क्या करना है। ज्यादातर दिमाग का प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें होना चाहिए, कैलकुलेशन तो हो जाता है। नहीं, ये तो सच है कि ईश्वर ने आपको वाकई कुछ गिफ्ट दिए हैं, गॉड गिफ्टेड है, तभी तो आप इस तरह से ट्रिक्स अपना पा रहे हैं और वाकई आपकी मेहनत भी रंग लाती है, क्योंकि जो टैलेंट है आपका काफी लोगों ने सराहा है। उस बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि शाह, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई और किस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, किस सेक्शन से? आपकी उम्र जितना मैं समझ पा रहा हूँ उम्र ज्यादा नहीं है, 18 के आसपास उम्र है। 16 तरह की उम्र। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, 10th तक मेरी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में हुई, 10th के बाद मैं हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में चला गया और मेरा मेडिकल था, मेडिकल स्ट्रीम में मैं था, और इस टाइम पे मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल के फील्ड से हूँ और मैं एक ट्रिक शॉट आर्टिस्ट भी। ओके, ये बड़ी आदमी की बात है क्योंकि अक्सर कहते हैं इंजीनियर और डॉक्टर सिर्फ एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, ना कि इस तरह से स्पोर्ट्स के लिए। और या तो चलिए हम जब बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद वो एक्टिंग वगैरह करते हैं, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बड़ा टफ टाइम होता है क्योंकि काफी चैलेंजेस होते हैं उनके एजुकेशन में। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेडिकल की पढ़ाई काफी टफ होती है, तो इस पढ़ाई के साथ साथ आप इस गेम को कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी, क्योंकि मैंने देखा भी और मैं बोलता भी हूँ, एकेडमिक सक्सेस इज नॉट सक्सेस ऑफ लाइफ, एकेडमिक सक्सेस इज नॉट ओनली सक्सेस ऑफ लाइफ। स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स ऑफ पावर, पावर ऑफ स्पोर्ट्स हमने तब देखा जब नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया, वो पावर ऑफ स्पोर्ट्स था, उसने पूरे इंडिया को मतलब वो अर्थक्वेक आया उस टाइम पे जब नीरज चोपड़ा का नाम आ गया गोल्ड मेडल। तो ये कहीं कहीं पे ऐसी सोसाइटी बनी हुई होती है जहाँ पे बोलते डॉक्टर एंड इंजीनियर दीज एकेडमिक
successes are the only successes of life, but that's not true. Sports में भी मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं। आपने बात की टाइम मैनेजमेंट की, जब मेरा फ्री टाइम होता है मैं तो आफ्टर ट्रिक शॉर्ट्स बनाता हूँ ऑन ऑल्टरनेट डेज लाइक संडे फ्राइडे, बाकी दिनों मेरा ट्यूशन होता है और मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो कोविड की वजह से मुझे बहुत टाइम मिला था ट्रिक शॉर्ट्स में, और कोविड हेल्प टू मी अ लॉट, लॉकडाउन जो हुआ था मैंने ट्रिक शॉर्ट्स बहुत सारे बनाए। तो शायद इस वक्त भी देखा कोरोना का माहौल छाया हुआ है जैसा कि हम सब जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं हर राज्य कई राज्यों में लॉकडाउन भी लग चुका है, स्कूल बंद है। तो क्या कुछ आप इस तरह की मोटिवेशन या कुछ इंस्पिरेशन उन बच्चों को देना चाहेंगे जो बच्चे इस चीज को लेके जो जानते नहीं थे खेल को, या खेल आपके वीडियो को देखने के बाद और जानने की उत्सुकता हो, तो क्या कुछ आप उनको मोटिवेशन देना चाहेंगे, इंस्पायर करना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे आगे आए, आगे आ भी रहे हैं और अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कश्मीर में भी, ऑल ओवर इंडिया में भी, तो उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो अच्छा काम करता है उसमें से अप्रिशिएट करेंगे लोग, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी मीडियम से हो, किसी भी फील्ड से हो। जब आप अच्छा करेंगे लोग सपोर्ट करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके आपको सपोर्ट देंगे। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको कर रहे हैं सपोर्ट, अभी इमर्जिंग जो है उनको भी कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपने ड्रीम पे फोकस करो, जो आपका मतलब गोल है उसको अचीव करने में उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो, और आगे जाके आप फिर मतलब हो जा सक्सेस पाएंगे। तो हमेशा अपने काम पे ही फोकस करना चाहिए, डटे रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। जी और क्योंकि फिर लाइफ, जब यही लाइफ है, टीनेज में ही सब कुछ होता है, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर पछताना पड़ेगा कि हमने उस टाइम पे क्यों नहीं किया। मतलब ये दिमाग पे डिपेंड करता है, किसी इंसान का दिमाग कैसा है, जैसे जिस एनवायरमेंट जी में वो रहा है वो वैसा ही सीखेगा और वो वैसा ही आगे भी करेगा। तो हमेशा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने टाइम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि टाइम फिर वापस नहीं आएगा, और अपने ड्रीम पे डटे रहना चाहिए। बहुत खूब। ये उन सभी नौजवानों, उन बच्चों के लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन है। एज यू आर अ गुड स्पीकर ऑल्सो, मोटिवेशन स्पीकर ऑल्सो फॉर दोस चिल्ड्रन। साथ ही मैं हुसैन, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सेलिब्रिटीज का नाम और उन स्पोर्ट्स प्लेयर का जिन्होंने आपके इस वीडियो को काफी सराहा है, मैं चाहूंगा इसे आप अपने जुबानी बताएं तो लोगों को काफी पसंद आएगा। बचपन में जब मैं फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास में था, थर्ड क्लास में था, जब मेरी एज 10 या 11 थी, मैं उनको टीवी पे देखता था, क्योंकि मैं बच्चा था, उनके मैच देखता था, उनकी मूवीज देखता था। तो फिर बड़े होकर उन्होंने ही मेरा वीडियो अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाया, मुझे अप्रिशिएट किया, मतलब ड्रीम केम ट्रू। वो क्या बोलूं मैं, मतलब वो इमेजिनेशन ही कुछ अलग थी। मतलब बचपन में आप किसी को टीवी पे देख रहे हो, उसके फैन हो, उसको फॉलो कर रहे हो, मतलब उसके हर कोई फिल्म देख रहे हो, मैच देख रहे हो, फिर वही बंदा आपका लाइक करना, वो शेयर करना, वो ट्वीट करना, तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है। फीलिंग इज डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट विच पीपल कांट अंडरस्टैंड, बट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लाइक सुरेश रैना ने मेरा लाइक किया, सुरेश रैना इज इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ फ्रॉम इंडिया टीम, वाईचुंग भूटिया फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन, और सुनील शेट्टी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, और फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, या हमारे बहुत सारे टीवी पर्सनैलिटीज, न्यूज पर्सनैलिटीज, मूवी स्टार्स जिन्होंने मेरा लाइक किया कश्मीर से, इंडिया से, तो ये बहुत सारे हैं, मतलब जिन्होंने मेरा कंटेंट शेयर किया, लाइक किया अपने सोशल मीडिया पे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वाकई ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी आपके लिए। शाम मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अब आप इस खेल के जरिए आपका गोल क्या है, खेल को कहाँ तक ले जाना है? माय एम इज टू मेक दिस ट्रिक शॉट्स पॉपुलर इन इंडिया देन होल वर्ल्ड। तो मेरा जो यही ड्रीम है कि इनको पॉपुलर मैं बनाऊं, मुझे लोग हेल्प करें। तो जैसे फुटबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट है, नेशनल स्पोर्ट है मतलब, या इंटरनेशनल स्पोर्ट है, तो ट्रिक शॉट्स भी पूरे इंडिया में फैल जाए। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी ट्रिक शॉट्स को भी लोग देखें, हर किसी तक पहुंचे। ट्रिक शॉट्स है क्या, कश्मीर से कोई बंदा है जो ट्रिक शॉट्स बना रहा है, फुटबॉल ट्रिक शॉट्स, एंड आई वांट टू इंस्पायर यूथ बाय दीज ट्रिक शॉट्स। मैं कुछ अचीव करना चाहूंगा ताकि यूथ मतलब मोटिवेट हो जाए, वो भी कुछ अपने फील्ड में करे मुझे देख के। तो मेरा यही एम है कि मैं इंडिया में पॉपुलर बनाऊं ट्रिक शॉट्स को, और पूरा इंडिया मेरे ट्रिक शॉट्स देखे। क्या कोई किसी को मेंटोर मानते हैं आप फुटबॉल में?
ना ना, नो वन, मैंने खुद प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग लिया और मैं खुद कर रहा हूँ। कोई आपका आइडल? आइडियल नहीं, माय फेवरेट फुटबॉलर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नॉट आइडियल। ओके ओके, तो इवन इंटरनेशनली, बट नेशनल में किसे आप मानते हैं? हमारे भारत सुनील छत्री, ओके, सो आप उन्हें एक आपके यू नो कैन बी योर फेवरेट, ही कैन बी योर फेवरेट फुटबॉलर, राइट? ओके, जाते जाते एक आखिरी सवाल, हाल ही में जब ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक में जो जो खिलाड़ी जीत कर आए उनके साथ पीएम मोदी ने यू नो काफी कुछ शेयर किया, तो क्या कुछ मैसेज आप चाहते हैं यू नो देश तक पहुंचाने के लिए, यू नो सेंट्रल तक, एक जस्ट स्मॉल मैसेज, व्हाट यू वांट टू हैव फ्रॉम द गवर्नमेंट, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट जो चाहते हैं आप सपोर्ट? जिस कश्मीर को लोग दूसरे एंगल से देखते हैं, मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि उस कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। कश्मीर भी कुछ कम नहीं है टैलेंट में, कश्मीर के नौजवान भी कुछ कम नहीं है, कश्मीर के नौजवान भी बहुत अचीव कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में मतलब अचीव कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट को यही बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचे कि कश्मीर में कुछ वैसे हालात है, ऐसे हालात है, बल्कि आप इस एंगल से देखिए कश्मीर में कितना टैलेंट उभर रहा है, कश्मीर में नौजवान कितना हासिल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इन जैसे नौजवान को आगे लेने तक इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो यही मेरी मैसेज थी। ठीक है, आपका मैसेज मैं चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट तक पहुंचे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, और आपको वो हर वो सुविधाएं मिलें जो कुछ आपको चाहिए, जो आपकी जरूरतें हैं। साथ ही मैं और नवभारत परिवार की ओर से आपको आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जी जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।